दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्री में भोजन को तैयार और उनको पैक करने वाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। मशरूम एक खास प्रकार की सब्जी होती है जिसे उगाना काफी आसान होता है और वह खाने में भी काफी स्वादिष्ट होती है। यह इस फैक्ट्री में अलग अलग चैम्बर्स पर मशरूम की खेती की जाती है और इस तरह चैम्बर्स में मशरूम को उगाने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल इस चैम्बर के साथ एक मशीन लगी होती है। जब यह मशरूम अच्छे से उग आते हैं तो इन्हें इस मशीन के माध्यम से काट कर अलग कर लिया जाता है। यह मशीन इतनी तेज रफ्तार से काम करती है कि पलक झपकते ही यह एक चैम्बर पर चलते हुए सभी मशरूम को बड़ी ही सावधानी से काट कर साथ में ही लगी कन्वेयर बेल्ट पर उड़ेल दी जाती है। यह मशीन मशरूम को एक निश्चित ऊंचाई से काटती है जिसके कारण मशरूम की जड़ बर्बाद नहीं होती और वहां पुनः मशरूम उग आती है। कन्वेयर बेल्ट पर मशरूम को उड़ेलने के बाद यह मशरूम आगे चले जाते हैं जहां कारीगर खराब मशरूम को छांट कर अलग कर लेते हैं और साफ मशरूम को पैक कर लिया जाता है। अगर इसी काम को खेतों में मशरूम को उगा कर उन्हें एक एक करके चुन कर तोड़ने का सोचा जाए तो वह काम काफ़ी अधिक समय ले सकता है, मगर यह मशीन उसी लंबे काम को चुटकियों में ही निपटा देती है। हैप्रो। इस क्रांतिकारी मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यह मशीन आकार में लंबी सब्जियों का छिलका उतारने का काम करती है। अक्सर कई देशों में लोग बाजार से छिलका उतरी हुई पैक सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं जिसमें मूलतः गाजर, मूली, खीरा इत्यादि होते हैं। यह मशीन इन सब्जियों का छिलका उतारने में इतनी माहिर है कि वह इन सब्जियों का उतना ही छिलका उतारती है जितने की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक सब्जी के खाने वाले भाग को सुरक्षित रखती है। इस मशीन के मुख्य भाग में छोटे छोटे नॉब लगे होते हैं जिनमें ब्लेड भी फिट होते हैं। जब इनसे गाजर, मूली इत्यादि अन्य सब्जियां गुजारी जाती हैं तो यह ब्लेड बड़ी ही खूबसूरती और सटीकता से इन सब्जियों का छिलका उतार देते हैं और उन्हें आगे की तरफ धकेलते रहते हैं। यह मशीन काफ़ी अधिक रफ्तार से काम करती है जिसके कारण जब इन्हें फैक्ट्रीज में फिट किया जाता है तो यह एक ही दिन में 100 से 200 क्विंटल सब्जियों का छिलका बड़े ही आराम से उतार देती है। पैक मकीना। आप में से कई लोगों ने बिस्किट जरूर खाए होंगे, मगर कम लोग ही होंगे जिन्होंने यह देखा होगा कि बिस्किट आखिर तैयार कैसे होते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फैक्ट्री में बिस्किट तैयार करने से पहले आटे का मिश्रण तैयार होता है जिसे अच्छे से कन्वेयर बेल्ट पर बिछा दिया जाता है और जितनी बिस्किट की मोटाई रखनी होती है उस मोटाई में ही आटे को पतली परत के रूप में बिछा दिया जाता है। उसके पश्चात जब यह आटा कन्वेयर बेल्ट पर आगे की तरफ जाता है तो एक मुख्य सांचा जिस पर बिस्किट का आकार बना होता है एक बेलन की तरह इस आटे पर चलता जाता है और उस आटे पर अनेकों गोल गोल आटे के बिस्किट के आकार बना देता है। साथ ही साथ फालतू निकले हुए आटे को भी मशीन स्वयं ही अलग करती जाती है। इन बिस्किट पर ऊपर की तरफ छेद भी किए जाते हैं ताकि इन्हें सेकते वक्त यह फूले ना और हर एक बिस्किट समान आकार में ही बना रहे। आगे सेकने के बाद जब यह निकल कर आते हैं तो बड़े ही सुंदर सुनहरे रंग के हो जाते हैं जिन्हें बाद में पैक करके बेचने के लिए ले जाया जाता है। पोटैटो पीलर VP13। बड़े बड़े होटलों, बेकरी इत्यादि में आलुओं का छिलका उतारना बड़ा लंबा काम हो सकता है, मगर यह कमाल की मशीन उसी लंबे एवं झंझट भरे काम को मानो कुछ ही मिनटों में निपटा देती है। आलू का छिलका उतारने के लिए सबसे पहले आलुओं को बोरी से निकालकर इस मशीन के मुख्य भाग में डाल दिया जाता है। और जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो इस मशीन के अंदर भाप बनने लगता है जिससे आलुओं के ऊपर का छिलका
इस भाप के कारण ढीला पड़ने लगता है और निरंतर इनको गोल गोल घुमाते रहने के कारण वह छिलका फिर धीरे धीरे उतरने लग जाता है। और जैसे जैसे थोड़ा और समय बीतता है तो इन आलूओं से पूरा छिलका उतर आता है। जिसके बाद इन आलूओं को इस मशीन के नीचे वाले भाग से बाहर निकाल लिया जाता है और काफ़ी झंझट भरा काम काफ़ी आसान तरीके से निपटा लिया जाता है। टेक्स्टर चीज़ खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, जिसे अलग अलग प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में चीज़ कई प्रकार की पैकेजिंग में आता है, लेकिन सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग होती है स्लाइस किए हुए चीज़ की। यह मशीन चीज़ को स्लाइस में काटने का काम करती है। अगर आप चाकू की मदद से चीज़ के बड़े टुकड़े से स्लाइस काटने की कोशिश करते हैं तो वह ज़्यादातर मोटा पतला ही कटता है। मगर यह मशीन इतनी माहिर है कि वह चीज़ की स्लाइस बड़ी ही तेज रफ्तार से काटती तो है ही, साथ ही साथ उनके हर एक स्लाइस को एक बराबर भी रखती है, जिसके बाद एक निर्धारित संख्या में इन चीज़ के स्लाइस को पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। वॉरेन, जूस पीना किसे पसंद नहीं होता। कई देशों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बनाए गए कड़े नियमों के कारण काफ़ी चीज़ें सुरक्षित मिलती हैं। यहाँ इस फैक्ट्री में दरअसल इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विशाल मशीन की मदद से सेब का जूस तैयार किया जा रहा है। सेबों को इस मशीन के मुख्य भाग में डालने के बाद उन्हें अच्छे से क्रश कर दिया जाता है, जिससे जूस निकल आता है और सेब के बचे हुए बुरादे को आगे की तरफ धकेल लिया जाता है। उसके पश्चात जूस में से न्यूनतम कणों को फिल्टर के माध्यम से साफ कर लिया जाता है। जब यह सारा काम पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात इस जूस में अन्य किसी भी प्रकार के रसायन अथवा किसी और वस्तु को मिलाए बगैर इन्हें पैकेटों अथवा बोतलों में भरकर पैक कर लिया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हाइड्रोलिक जूस प्रेस, यह बेहद विशाल मशीन दरअसल फलों का जूस निकालने का काम करती है। इस विशाल मशीन के मुंह में आप बड़े से बड़े फल को भी बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। पिछली मशीन के विपरीत इस मशीन से फलों का जूस निकालने के लिए उसे क्रश नहीं किया जाता, बल्कि इसी मशीन के ही ठीक नीचे लगे दो बड़ी प्लेट के माध्यम से कपड़े के अंदर पहुँचे कटे फलों के ऊपर ज़बरदस्त दबाव डालकर उन्हें पिचका कर उनका रस निकाला जाता है। जब इस मशीन के मुंह में फलों को डाला जाता है तो यह मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो कि बाद में नीचे रखे कपड़े के थैले में इकट्ठे होते जाते हैं, जहां पर इस मशीन के द्वारा दबाव डालने पर वहां से जूस निकल आता है। थैले में फलों को पिचकाने की वजह से फलों का बुरादा एक जगह अच्छे से इकट्ठा होता जाता है, जिसे बाद में आवश्यकता अनुसार उपयोग में भी लाना आसान हो जाता है। एशले एग वॉश, यूं तो आप अंडे को सीधा उठाकर उसका आमलेट अथवा उबाल कर खा सकते हैं, मगर जब अंडे को बाजार में बेचना हो तो अन्य वस्तुओं की तरह ही अंडों को भी साफ सुथरा एवं सुंदर दिखाना भी आवश्यक होता है। मगर
अंडों को साफ करना उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वह दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में कोमल होते हैं, जिनके टूटने का डर रहता है। मगर उसी काम को आसान बनाती है यह मशीन। एक बार इन अंडों पर एक खास प्रकार का रसायन का छिड़काव कर लेने के बाद उन्हें इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर यह मशीन एक भी अंडे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें बड़े अच्छे से साफ कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें अंडों की ट्रे में रखकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।